person I really admire, a very, very hardworking guy. And he's the guy who got the story to me and told me about the whole ISRO thing. Jagan, thank you very much for this story. मुझे नहीं पता ये फिल्म हिट है या नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, मैं अपने सारे आर्टिस्टों को भी यही कह चुका हूँ, मेरे जितने भी कलीग्स हैं इनको सबको ये कह चुका हूँ कि ये नहीं पता कि ये कितनी हिट होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ दिस फिल्म एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस फिल्म. मैंने करीबन 150 फिल्में कर चुका हूँ एंड आई वॉज जस्ट टेलिंग देम दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म आई हैव डन. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एमसी नहीं लाए हम, क्योंकि ये मैं ही एमसी हूं, ताकि कोई कुछ किसी को कोई बुरा नहीं लगे. प्लीज कीप इट टू द मूवी ओनली. ओके, are you guys ready? शांति से, प्रेम से. लेकिन फिल्म के द्वारा मैं खुद भी चाहता हूँ, मुझे भी पता, बहुत कुछ चीजें पता चली जब मैं अपने डायरेक्टर जगन से मिला. काफी चीजें की इसने मतलब आंखें खोली, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम जानते ही नहीं इसके बारे में. मतलब क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो हमने मंगलयान का जो पूरा बनाया है कितने रुपए में बना था, कोई बता सकता है? 450 करोड़ के अंदर बना था. फॉक्स डिज्नी का कि ये आए हमारे स्टूडियो बने और हमारे साथ इस चीजों पे विश्वास किया और इस फिल्म को आगे बढ़ने में हमारी मदद की. तो इसके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी. और कोई बोलना चाहता है, किसको नॉलेज थी? या आई एग्री, आई थिंक फिल्म के दौरान ही हमें बहुत कुछ पता चला एंड यू नो द फीलिंग दैट वी गॉट, वी वर ऑल सो प्राउड. इंडिया ने ये चीज कर दिखाई. इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली सेंड इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, द सैटेलाइट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मार्स एंड यू नो द थिंग्स दैट वी फाउंड आउट व्हाइल शूटिंग द फिल्म, हमें जब पता चली तो वी जस्ट फेल्ट रियली रियली प्राउड एंड वी ऑल, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन, वी आर जस्ट too proud to be a part of this film and thank you Jagan sir for this mission successful in India, like ISRO has done it. So that wo mere dimag mein na us din se chipki hui hai wo line. Aaj tak koi mujhse poochta hai na ki is picture ke bare mein, obviously ab to kafi logo ko pata hai, sabse zyada sabse pehli line mere muh se yahi nikalti hai ki 1/3 of the budget of a film that America made, humne usme actually ऑर्बिटर भेज दिया मार्स तक. सबसे अभी अमेरिका नहीं, अभी ऐसा होता है दोनों साथ में मिल जाए तो मुझे बड़ी ज्यादा खुशी होती है. वैसे तो ये बात तो तेरे तेरे दिल की भी होगी जहाँ भी है तू. हाँ वही है. अच्छा ये तो मुझे दोनों में खुशी मिलती है. मेरा सवाल चला जब जगन ने बताया और उस वक्त मेरे को समझ में आया कि हमारे देश ने क्या किया है, क्या कर दिखाया है, यहाँ के साइंटिस्टों ने क्या कर दिखाया है. एक्चुअली आई थिंक जगन सर एक पूरे प्रेजेंटेशन के साथ ही आए थे कि ये हुआ था, दीज आर द फैक्ट्स एंड ये कैरेक्टर्स आप प्ले करने वाले हो. ही शोड अस पिक्चर्स, ही शोड अस यू नो दीज डॉक्यूमेंट्रीज. बाय द वे मिस्टर जगन सर, यू गाइस आई डोंट नो हाउ मच यू नो, बट हिज सिस्टर इज आल्सो अ साइंटिस्ट, शी इज इन ISRO. मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह याद है. सो व्हेन जगन केम टू मी एंड ही शोड मी द इमेज, आई रिमेंबर कि जब मैंने पहली बार देखा, आई सॉ रेगुलर वुमेन, यू नो वुमेन यू थिंक आर जस्ट यू नो हाउसवाइव्स, होममेकर्स, व्हाटएवर, एंड दे हैड सेंट दिस ऑर्बिटर टू मार्स व्हिच इज अमेजिंग. तो वही इमेज आई थिंक इट टोल्ड यू दैट इट हैड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम वुमेन एंड दिस film also shows the contribution of women as much as it shows the contribution of the men. Sunakshi ji, aap aur tab par proud mahilaon ki tasveer dikhai degi and you know they were the backbone of this mission and this project and like I said, we are all very proud to be representing those amazing heroes of our country. I think wo picture humne recreate karne ki koshish bhi kari thi ki hai and I think it's lovely. Yeah, I don't know how much are we successful in doing that, but koshish kari thi humne same picture recreate karne ki. ज्यादा नहीं, एक्चुअली ऑनेस्टली थोड़ा
हो सकता है कम दिखाया हो क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर होती है और इनकी जो अचीवमेंट्स है जिन्होंने किया है शायद हम वो 2-2.5 घंटे में सब कुछ दिखाना और वो सारी औरतों को एक तरीके से फेलिसिटेट करना इस फिल्म के जरिए शायद पॉसिबल नहीं होगा. तो आई थिंक ज्यादा नहीं, इनफैक्ट हमने शायद थोड़ी चीजें काटनी ही पड़ी होंगी फिट करने के लिए 2.5 घंटे में पिक्चर को. सो आई थिंक दे मच मच और मोर केपेबल देन व्हाटएवर वी हैव शोड देम इन द फिल्म. सो या इट इज एक्चुअली महिला सशक्तिकरण एक बहुत इम्पोर्टेंट टेक अवे टॉपिक होगा ये पिक्चर देखने के बाद जो भी लोग निकलेंगे थिएटर से. अभी तो मैं लंदन से छुट्टी से आया हूँ इधर. सर आपने प्लॉट खरीद लिया मार्स के ऊपर? मुझे लग रहा है प्लॉट खरीद लिया आपने मार्स के ऊपर. नहीं, पहले वो चांद की बात करें, चांद से पहले मार्स पे. सरकार अभी तक इतना वो हुआ नहीं है. जैसे होगा मुझे आई होप कि मेरे जिंदा होने पर, आपके जिंदा होने पर ये लोग इतना कर जाएं. बट अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा. चांद पे भी जाके छुट्टियां बितानी चाहिए तीन बच्चों को लेके, बहुत अच्छा रहेगा. फिर मार्स पे भी जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते सूरज पे जाके जल जाएंगे. मेहनत करेंगे सरकार. पनीर और पनीर पालक लेना. एंड कोई बोल रहा है कोई अलग अलग चीजें बोल रहे हैं, यहाँ तक कि इनको शर्म नहीं आए, ये लोग ब्रेकफास्ट भी मंगा देते मुझसे. I asked you to get that oats, na? Oats because it was, yeah. So it was like that for me. I felt very welcomed. I felt very accepted. मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा first film है हिंदी में. ऐसा लगा कि they all were also so familiar with my work. They had seen my films. So I felt very, very welcome. I'm so happy that this was my first. And also I won't let bhul ke kya? आप पहली इंडिया की पहली स्पेस फिल्म आप प्रोड्यूस करें, आप एक्ट करें तो क्यों ना. और उसके बाद ऐसे ऐसे धुरंधर एक्टर्स उस फिल्म के अंदर वो हाँ बोले और क्विकली, मतलब एक सिर्फ एक बार सुनने के बाद हाँ बोल दें. मतलब आप सोच सकते हो 5 हीरोइनों को एक साथ लाना कोई मजाक काम नहीं. बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. वाकई में मैंने बेले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विद्या. विद्या नेशनल अवार्ड. पर बाल्की और जगन आए थे, नरेट किया उन्होंने और मैंने तुरंत, शायद करियर में पहली बार मैंने तुरंत हाँ कही इस फिल्म के लिए. सो दे फिनिश्ड एंड आई सेड ओके आई एम डूइंग इट बिकॉज़ स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी और उन्होंने बताया कि किससे बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स अक्षय वाज ऑलरेडी डूइंग द फिल्म. आई जस्ट फेल्ट दैट दिस स्टोरी नीडेड टू बी टोल्ड. एंड मैं जो आप अक्षय से सवाल कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहती हूँ. मेरी फीलिंग है कि वी इंडियंस आर नॉट, we don't wear our pride on our sleeves for our country. And I'm so glad ab zyada filmein ban rahi hain which are making us aware of what a great nation we are. Yeah. Jaise main jagah jagah jaati hoon, duniya bhar ghoomti hoon, to lagta hai ki they are so proud of their nation, of their heritage, of their culture. If there's anyone who needs to be proud, it's us. Our culture, our history, our achievements are great and we should start celebrating them. And I'm so glad our movies are doing this and that Mission Mangal is doing it. The other, how one was performing, how the other was looking. So there was sirf ek jan ke sath problem hoti thi. Jab wo jo humne kaha hai wo khana nahi leke aate the to hum log chid jate the. I personally would like to add to that. I personally, in my whatever limited experience I've had, I have not seen a more tantrum-free, a more professional, a more loving and warm set than the sets of Mission Mangal. So the credit goes to, I would like to give a lot of that credit to Jagan, to Akshay, to Vidya, and all of us put together for creating that, for all of us to really give our best, come together and create something like Mission Mangal. And I want to talk. He decided that he wanted to become an actor. Sir, will you talk about yourself, sir? Please, how many awards, sir? Three national awards. It is not that three national awards.
All for my Kannada films. Thank you. Not the Olympics. Not that I entered. I became an actor at 45. I became an actor at the childhood itself. I was in theatre. Then I got straight into films very late in life because I was working for Air Force for 23 years, and then another 9 years in HAL, where I touched PSLB structure. Yeah. साल में कितने हफ्ते होते हैं, कितने फ्राइडे होते हैं? 52? और कितनी फिल्में रिलीज होती है हमारी हिंदी फिल्में? 180-190. तो क्या करें, 2-3 नहीं आएंगे साथ में तो क्या करेंगे? किसको परेशानी हुई? क्योंकि वी आर फ्रेंड्स सर, तो दोस्ती आ रही। तो क्या होता ना, देखिए, और 52 हफ्ते के अंदर करीबन 180 हिंदी फिल्में हैं, फिर उसके बाद करीबन 30-40 हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, तो बहुत सारा कंजेशन रहेगा ही रहेगा। ये तो आगे जाके और भी प्रॉब्लम होंगी, और भी अब तो 2-3 होती हैं, तो आगे जाके 4-5 भी होंगी। तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है, एंड वी शुड नॉट ब्लेम एनीबडी, वी शुड नॉट ब्लेम ईच अदर, वी शुड जस्ट गो अलोंग विद इट, एंड दैट्स इट। दी नॉक जॉक है, आई होप इट गेट्स सॉल्व्ड। वैसे मुझे तो इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं लंदन में हूँ सिंस लास्ट 20 डेज, सो आई होप इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट आई होप एवरीथिंग गेट्स सॉल्व्ड। ओके मैम, थैंक यू मैम। बस अब खत्म करें सर।